कटनी में सरपंचों ने एनएमएमएस योजना का विरोध किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस योजना को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही सरपंचों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को भी सरकार के सामने रखा है। राष्ट्रीय सरपंच संघ और सरपंच एकता कल्याण संघ के नेतृत्व में सभी सरपंच एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए एनएमएमएस योजना हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि मनरेगा की एनएमएमएस योजना, जिसके तहत श्रमिकों की हाजिरी ली जा रही है, यह सरपंचों के लिए मुसीबत बना हुआ है। नेटवर्क नहीं होने के कारण श्रमिकों की हाजिरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सरपंचों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरपंच लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही 9 सूत्री बिंदुओं को लेकर भी मांग उठाई गई। हमारी सभी ग्रामवासियों ने मतलब हमको भेजा गया है, 9 तारीख को कार्य चालू था इमलिया, 30 लोग थे, 56 लोग थे, 56ों में एक भी की हाजिरी अटेंड नहीं हुई, पूरे के पूरे 56 हमारे ऊपर चढ़ाई किए, हम उनको धैर्यता से लिए और उनने उनको ये बोला कि यदि आपका पेमेंट नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से उसका पूरा करेंगे। इसीलिए हम कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करते हैं कि ऐप की हाजिरी हटाई जाए। मनरेगा अंतर्गत NMMS के खिलाफ इसको बंद किया जाए, उसके साथ हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया जी 11 जनवरी को पूरे भारत देश में इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपने का आदेश किया था। उसी तारतम्य में हम सभी जिला के सरपंच साथी पधारे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।